सभापति महोदय, मैं झारखंड के अंदर पश्चिम सिंहभूम जिला के गुदड़ी में बुरुगुली केरा गांव है, उसमें 7 आदिवासियों की जो निर्मम हत्या हुई है, नरसंहार हुई है, उसका सूचना देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 19 जनवरी को वहां गुली केरा गांव में 7 आदिवासियों को पूरा सिर धड़ से अलग करके हत्या कर दी गई। इसके बावजूद वहां झारखंड की सरकार ने बेहद ही निराशाजनक रवैया अपनाया है, जिसके कारण हत्या के 2 दिन के बाद वहां पर प्रशासन पहुंचती है और वहां आरोपी खुद उन पुलिस प्रशासन को बोलता है कि हम लोगों ने ऐसा किया। इसके बावजूद वहां पर SIT गठन करने की बात करती है और आपसी रंजिश की बात ऐसा वहां की सरकार, वहां की प्रशासन कर रही है। नहीं, सरकार के ऊपर कोई आरोप रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप विषय बताइए, आपका मांग बताइए। मैं ये बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है, नरसंहार हुई है, इसका कारण ये है कि वहाँ कुछ ऐसे तथाकथित लोग जो है, कुछ पत्थलगड़ी के नाम से ग्राम सभा करके, जो भारतीयता की जो पहचान वाली जो हमारी कार्ड होते हैं, राशन कार्ड होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड होते हैं, इन सारे चीज़ों को जमा करके महामहिम राज्यपाल के पास भेज दो, हम लोग सरकार का कोई भी सुविधा को प्राप्त नहीं करेंगे। इस प्रकार से असामाजिक गतिविधियां वहां चला रहे हैं। जो मर गए हैं वो लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे, चूँकि हमको सरकार से जो है राशन मिलता है, तो ऐसे चीज़ों को हम क्यों ये वापस करेंगे। इसी में ग्राम सभा करके जो है उनकी हत्या सामूहिक रूप से कर दी जाती है। इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो हत्या हुई है उसका कहीं ना कहीं ठीक ढंग से जांच हो, इसलिए केंद्रीय जांच ये दल इसमें निर्धारित हो और ऐसे जो है शोक संतप्त परिवार है, जिनकी परिवार में हत्या हुई है, उन लोगों को अच्छे मुआवजा मिले, उन लोगों को कोई सुविधा मिले। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह सदन को बताना चाहता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इनका जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद।